कुत्ते को मैं खिला रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फिल्म तो गाइस आज जा रहे हैं हम लोग, आज इंडिपेंडेंस डे है 26 जनवरी, और हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ का फ्लैग होस्टिंग होता है, और चलते हैं वो देखने के लिए क्या क्या होगा ना, मतलब वही शूट करेंगे। और मेरा नाम है एलेक्स और आप देख रहे हैं एडवेंचर ऑफ फ्रेंड में, और आज देखेंगे कितने सारे जगह फ्लैग होस्टिंग होता है। चलते हैं गाइस। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ्लैग होस्टिंग की तैयारी चल रही है, मेरा सेक्टर है और यहाँ पर अच्छी तरह से बनाया जाता है। तो आइए आगे चलते देखते हैं। इसमें हूँ मतलब, तो गाइस मैं सेक्टर 36 के नियर में 37 का पार्क है उसमें खड़ा हूँ, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम है आप देख सकते हैं। जैसे कि ना मतलब यहाँ पर ना मतलब आज का दिन कुछ खेलने वेलने के लिए आया था इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर फुल एक होस्टिंग नहीं हो रहा, लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और खेलने के मन हो तो ये पार्क बहुत अच्छा है, बेस्ट है, तो आ सकते हैं इधर खेलने के लिए। बैक साइड का देख सकते हैं आप सारे शीट में, और बस दोस्तों अगर पसंद आए थोड़ी सी वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, जिससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और ऐसे वीडियो हम और बना के डाला करेंगे। बस और आगे चलते देखने के लिए और कहाँ कहाँ फ्लैग होस्टिंग हो रही है वहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है चलते गाइस, मैं 37 में खड़ा हूँ, इससे पहले पार्क में गए थे 37 के जो बड़ा सा पार्क उधर है, और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्लैग होस्टिंग हो रही है, गोल चक्कर भी होता है। तो आगे चलते हैं और भाई पोस्ट कर लियो आगे से ले लेंगे वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा है और फ्लैग होस्टिंग, और आगे चलते देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद हम दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले। तो इधर से चल यार, उधर पानी है। जय जय। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग होस्टिंग होती है, तो थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा सा और पूरा ले शूट कर ले। तो गाइस मैंने जैसे कि बोला था ना 37 में भी होता है फ्लैग होस्टिंग, तो गोल चक्कर पर हो रहा है, तो इधर से देख सकते थोड़ा। फ्लैग होस्टिंग की कुछ इम्पोर्टेंट चीज रही है उसको कवर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, अभी जगह जाना और भी जगह जाना है, लेकिन जो यहाँ हुआ है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ का ध्वजारोहण 5 अच्छे बुजुर्ग लोग और 5 अच्छे छोटे बच्चे उन लोगों ने झंडा फहराया। ठीक है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की अपनी है। इसलिए मुझे ना मतलब मैं यूट्यूब से मतलब और जगह जाना है कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सिर्फ ग्रेटर नोएडा की ही लेना है इसमें। तो मैक्सिमम जगह खत्म हो चुका है। हाँ हो चुका है, जगह से होके आ रहा हूँ। मैं 37 में खड़ा हूँ, इससे पहले पार्क में गए थे 37 के जो बड़ा सा पार्क उधर है, और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्लैग होस्टिंग हो रही है, गोल चक्कर भी होता है। तो आगे चलते हैं और भाई पोस्ट कर लियो आगे से ले लेंगे वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा है और फ्लैग होस्टिंग, और आगे चलते देखते क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद हम दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले। तो इधर से चल यार, उधर पानी है।
जय जय। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग होस्टिंग होती है, तो थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा सा और पूरा ले शूट कर ले। तो गाइस मैंने जैसा कि बोला था ना 37वीं में होता है फ्लैग होस्टिंग, तो गोल चेकअप हो रहा है, तो इधर से देख सकते थोड़ा। फ्लैग होस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज रही है उसको कवर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, और भी जगह जाना है, लेकिन जो यहाँ हुआ है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ का ध्वजारोहण 5 अच्छे बुजुर्ग लोग और 5 अच्छे छोटे बच्चे, उन लोगों ने झंडा फहराया। ठीक है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से मुझे ना मतलब मैं यूट्यूब से और जगह जाना है, कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अच्छा सिर्फ ग्रेटर नोएडा की ही लेना है इसमें। तो मैक्सिमम जगह खत्म हो चुका है। हाँ, हो चुका है, जगह से होके आ रहा हूँ। और आप पहला कवर करने आए हैं, भी होके आ रहा हूँ। तो गाइस हमने देख लिया यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, छोटा सा जगह है और मतलब इंडिया के लिए सही होता है ना, मतलब जहाँ भी करो हमें खुशी मिलती है। तो गाइस हम लोग थोड़ा 36 जा रहे देखने के लिए, तो गाइस चलिए 36 चलते हैं, बस हो गया। स्कूल तो नहीं नहीं ये लोग हैं, वाकई में मत वाला लड़का है। आइए इधर, क्या नाम? आइए बचपन से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग में लेके आते हैं। ये पहले जानने का प्रयास करिए कि सर कौन रहा है, ये सामने खड़े होकर बोल रहे हैं एसटी माइक्रो डिजाइन की कंपनी है, इनका अपना घर अल्फा में, लेकिन जितने यहाँ के गरीब परिवार लोग हैं शूट कर रहे से अभी यार मजदूर परिवार जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी टीम है। ठीक है, सारे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दे आर हाईली वर्किंग प्रोफेशनल, और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कवर कर रहे हैं, कवर करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं पर कोई यूनिक चीज़ है ना, उसको जरूर कवर करिए। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे स्टेडियम, जा रहे थे, नहीं बोल रहे थे। चलिए ठीक है, जाइए जाइए, कवर करिए। थैंक यू, हैप्पी न्यू वेनिस। ऐसे काम करने से कुछ नहीं होगा ना, पूरा खिला दिया। दिखा यार तुम मुझे, बोलू मैं? हाँ, तो गाइस मैंने जैसे बोला था ये इनॉक्स मॉल है, क्या नाम है, मैक्स मॉल है, और ये सैर सौर नगरी के अंदर है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला लेकिन चैनल टर्मिनेट हो गया था। और ये अच्छा मॉल है, इसके अंदर ना मतलब चिपेस जैसे कि मॉर्निंग में आ जाए ना यहाँ पर ना 80 रुपये लगता है टिकट का। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग थोड़ी सी हो रही थी, यहाँ पर भी फ्लैग होस्टिंग हो रही है। जैसा कि मैंने बोला ना, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस डे के मूवी बनाया जाता है। तो देख सकते हैं गाइस मॉल के अंदर है, तो बैक साइड का देख सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था, बस आप चलते हैं। थोड़ा सा मॉल है और बहुत अच्छा लगा, जब
इंडिपेंडेंस के डे में हर जगह फ्लैग में देख सकते हो, ऑटो के यहाँ पर भी है फ्लैग, वो सांस सकते हैं कितना खुशी मिलता है जब हमारा इंडिया जब कोई मतलब आज़ादी कर मतलब इस टाइप का होता है, तो मतलब देख सकते हैं वो तो पता है। तो गाइस बस इतना ही था, और थोड़ा सा वीडियो पसंद आए यार प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और इससे कि हमें कॉन्फिडेंट आए और ऐसा वीडियो हम और बनाएं। तो थैंक यू और